नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग किसी भी दो नंबर को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जीरो को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आंसर क्या होगा, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं? आप वीडियो को पॉज करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर हाँ या ना में दे सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूँ कि हम लोग जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसे मैथ में अनडिफाइंड कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों जीरो बाय ज़ीरो को मैथ्स में अनडिफाइंड कहा जाता है। क्यों जीरो बाय ज़ीरो अनडिफाइंड होता है, इसको जानने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की मदद लेंगे। मैंने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहता है कि अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी ले लें, तो उसके लिए हमें दो और पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू और आर इस तरह से मिलेंगे कि जो ए होगा वो बी क्यू प्लस आर के इक्वल हो जाएगा, लेकिन जो क्यू और आर मिलता है वो यूनिक होता है। मतलब हमें एक ही क्यू मिलेगा और एक ही आर मिलेगा, दो अलग अलग क्यू और दो अलग अलग आर नहीं मिल सकते हैं। तो अगर हम ए का वैल्यू ज़ीरो ले लें और बी का वैल्यू ज़ीरो ले लें, तो इन दोनों इंटीजर्स के लिए भी हमें यूनिक क्यू और आर मिलने चाहिए। तो अगर हम लोग क्यू की जगह वन रख दें और आर की जगह ज़ीरो रख दें, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं, ए की जगह में क्या रखना है, ज़ीरो, बी की जगह क्या रखना है, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय क्यू की जगह क्या रखना है, वन प्लस आर की जगह ज़ीरो। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आर एच एस भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्यू इजगल टू टू रखेंगे और आर इजगल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ए की जगह हमें फिर से ज़ीरो ही रखना है और बी की जगह भी ज़ीरो ही रखना है। ठीक है, लेकिन क्यू की जगह हमें टू रखना है प्लस आर की जगह हम लोगों को ज़ीरो ही रखना है। तो फिर से देखिए, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा। अब हम लोग क्यू की जगह थ्री रखेंगे और आर की जगह ज़ीरो, और अब देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए की जगह ज़ीरो ही रखना है, बी की जगह भी ज़ीरो ही रखना है, लेकिन क्यू की जगह थ्री रखना है प्लस आर की जगह ज़ीरो रखना है। तो इस बार भी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं, दो इंटीजर्स ज़ीरो और ज़ीरो के लिए हमें ढेर सारे क्यू और आर की वैल्यूज़ मिल रही हैं, इसलिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ज़ीरो और ज़ीरो के लिए होल्ड नहीं करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में जो क्यू और आर मिलता है वो यूनिक होता है, यानी एक ही क्यू की वैल्यू मिलनी चाहिए और एक ही आर की वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग ए का वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं और बी का भी वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं, तो हमें ढेर सारे क्यू की वैल्यूज़ और आर की वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जब हम लोग ए का वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं और बी का वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा किसी भी दो नंबर के डिवीज़न के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा फेल कर रहा है। इसका मतलब ज़ीरो बाय ज़ीरो अनडिफाइंड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।